अगर माई अर्निंग में देखोगे तो मेरी यहाँ से अच्छी खासी अर्निंग हो गई है। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरी यहाँ पे टोटल अर्निंग दिखा रहा है 2,12,714 रुपये। तो आप भी इससे ऐसे ही पैसे कमा सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास ऑफिस नहीं है, आपके पास कोई स्पेशल नॉलेज नहीं है, आप वुमेन हो या मैन हो, तो आपको बिजनेस करने की ज़रूरत है, तो आप कैसे बिजनेस करोगे कि घर बैठे आप बिजनेस करके अच्छा खासा पैसा कमा सकें, और क्या क्या फ़ायदे रहेंगे इस बिज़नेस के। आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होंगी तो उसमें हमने रीसेलिंग बिजनेस के बारे में आपको बताया था। रीसेलिंग बिजनेस की टॉप 4 कंपनियां हैं, उनमें से मैंने एक वीडियो बना दी थी मीशो के बारे में, मीशो के बारे में डिटेल में मैंने समझा दिया। आज दूसरी कंपनी के बारे में बात करेंगे जो कि रीसेलिंग की है। इस चैनल पे आपको आगे बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलेंगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन जरूर दबा दें। दोस्तों, एक कंपनी शुरू हुई थी बेंगलोर में, 2015 की बात है, और बेंगलोर में ये कंपनी शुरू हुई थी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, और जो ये स्टार्ट की थी वो थे अभिनव जैन, जो अभी फिलहाल में इस कंपनी के सीईओ हैं। तो ये कंपनी स्टार्ट तो हुई थी बेंगलोर में, और इस कंपनी का जो काम था वो सोशल सेलिंग का काम था, और आज के टाइम पर यह कंपनी टॉप 5 रीसेलिंग कंपनियों में शामिल है। अब भाई इनकी स्टोरी भी जानेंगे, इनका बैकग्राउंड भी जानेंगे, कैसे स्टार्ट हुई, क्या क्या है, कैसे यूज करें, आप कैसे इससे पैसे कमा सकते हैं, कैसे इनसे कनेक्ट हो सकती हैं, पूरा आपको डिटेल में इस वीडियो में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो जैसा कि आपको मैं बता चुका हूं कि 2015 में कंपनी इंडिया प्राइवेट आई थी, वेबसाइट के माध्यम से इनका सेलिंग करने का काम था, अभिनव जैन इनके सीईओ थे। और आपको बता दूं कि आपको आश्चर्य होगा कि इंडिया की ये कंपनी है जिसको $16 मिलियन की फंडिंग मिल चुकी है, और ये सेकंड रैंक पे आती है। जो कंपनी है रीसेलिंग कंपनी, उनमें ये सेकंड रैंक पे आती है। इन्होंने एक एप्लीकेशन बनाया, उसका नाम रखा Shop 101। मेनली इनका रजिस्टर्ड बिजनेस या लीगल बिजनेस नेम है इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन मार्केट में ये जो पहचाने जाती हैं वो Shop 101 के नाम से पहचाने जाती हैं। आपको बताना चाहूंगा कि इनके एप्लीकेशन की 4.8 की रेटिंग है। ये बहुत बड़ी बात होती है कि 5 में से 4.8 की रेटिंग लेना। कस्टमरों ने इतना सपोर्ट किया है इस एप्लीकेशन को कि 4.8 की इसको रेटिंग मिली है, और 5 मिलियन डाउनलोड भी हैं। और आपको बताना चाहूंगा, इनकी ईमेल आईडी बता देता हूं, support@shop101.com नाम से इनकी ईमेल आईडी है। अब भाई बात आती है कि इनके थ्रू आप कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, कैसे इनके थ्रू आप बिजनेस कर सकती हैं, वो पूरी चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले आपको इनका बिजनेस मॉडल समझा देता हूं, फिर आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर ले जाऊंगा और आपको पूरा दिखाऊंगा कि मैंने भी यहां से 2 लाख रुपए से ज़्यादा की अर्निंग की है, वो भी दिखाऊंगा, और प्लस आप कैसे करोगे, कैसे ये काम करता है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने Shop 101 के जो एप्लीकेशन है उसका डाउनलोड लिंक दिया है, तो उस पर क्लिक करोगे तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा, प्रैक्टिकल आगे दिखाऊंगा। डाउनलोड करने के बाद अपने मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, बैंक डिटेल वगैरह सबमिट कर दीजिए। इनके एप्लीकेशन में 1 लाख से ज़्यादा प्रोडक्ट आपको होलसेल प्राइस में शो करते हैं, आपको खरीदने नहीं, आपको इन्वेस्ट नहीं करना, इनके एप्लीकेशन में वो प्रोडक्ट शो करते हैं। आप उन प्रोडक्ट को अपने ग्रुप में, अपने फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, इसके अलावा मार्केट प्लेस, जो फेसबुक का मार्केट प्लेस है OLX पर, उनके प्रोडक्ट को सेलिंग के लिए अपलोड कर सकते हो। फिर जब आप अपलोड करो तो इनके यहाँ पे जो होलसेल प्राइस दी है आप उस प्राइस से ज़्यादा का बताओ। जैसे कोई शर्ट इनके एप्लीकेशन में आपने देखी 200 रुपये की, और आप जब उसका फोटो किसी के साथ शेयर कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन किसी के साथ शेयर कर रहे हो, तो आप उस सामने वाले बंदे को बताओ कि ये प्रोडक्ट 250 रुपये का है, ये प्रोडक्ट 300 रुपये का है, अपनी रेट रखो। उसके बाद जब आपको कोई ऑर्डर देगा तो आपको Shop 101 एप्लीकेशन ओपन करना है और उस प्रोडक्ट का ऑर्डर उस कस्टमर के एड्रेस पर लगा देना है। यहाँ पे आप COD पर ऑर्डर लगा सकती हैं, और सेलिंग प्राइस में आपको 300 रुपये डाल देना है, मतलब ज़्यादा में बेचना है तो जितनी भी आप रेट फिक्स करना चाहते हैं उतना डाल के सेलिंग प्राइस में डाल के ऑर्डर लगा सकते हो। ऑर्डर Shop 101 वाले डिलीवर करा देंगे, COD पे होगा तो पेमेंट कलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आपका कमीशन आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा। 1 महीने में 4 बार पेमेंट सेंड किया जाता है, और अगर कस्टमर को कोई इशू आता है तो प्रोडक्ट रिटर्न भी हो जाता है, रिफंड भी हो जाता है, और आप
कि यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट भी बन जाती है जहाँ पे आप 1501 के प्रोडक्ट ही सेल कर सकते हैं, और डायरेक्ट किसी को 1501 के अपनी वेबसाइट का लिंक भेज दीजिए और वहाँ से भी कोई शॉपिंग कर सकता है। तो चलिए अब प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि काम कैसे करेगा, क्या क्या चीज़ें होंगी। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 1501 का लिंक दिया है, तो आप उसे डाउनलोड जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, पूरी वीडियो को आगे प्रैक्टिकल देखना। तो सबसे पहले आपको ये इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद आपको ओपन करना है और अपने मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ मीशो क्रेडिट भी मिल जाते हैं आपको, जिनको आप यूज कर सकती हैं, और मेरे को तो बहुत सारी क्रेडिट मिले हुए हैं, तो आप उनको यूज कर सकती हैं। और यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, तो ये कुछ प्रोडक्ट हैं। इसके अलावा आपको ऊपर की साइड ये स्लाइड दिख जाएगा जिसमें प्रोडक्ट की कैटेगरी दी हुई है। यहाँ पे बैनर चलते हैं जिनमें जो इनके ऑफर होते हैं वो दिखती हैं। यहाँ पे इमेज सर्च कर सकती हैं जिससे आप प्रोडक्ट को फाइंड कर सकें। इसके बाद आपको यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको अपनी बैंक डिटेल वगैरह सबमिट कर देनी है। अगर माई अर्निंग में देखोगे तो मेरी यहाँ से अच्छी खासी अर्निंग हो गई है, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरी यहाँ पर टोटल अर्निंग दिखा रहा है 212,714 रुपये। तो आप भी इससे ऐसे ही पैसे कमा सकती हैं। अब भाई इसे आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं इनके प्रोडक्ट को, जैसे कि 475 रुपये की ये प्रोडक्ट है, अगर हम इसे ज़्यादा में सेल कर सकती हैं तो हम इस पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे प्रोडक्ट की कंप्लीट डिटेल डिस्क्रिप्शन वगैरह सारा दिखने लगता है। तो यहाँ पे नीचे की साइड आपको प्रोडक्ट के फ़ोटो दिखती हैं, इस प्रोडक्ट की रेट 475 दिखती है, हम इसे शेयर कर सकती हैं। शेयर एंड अर्न पे ओके करके यहाँ पे प्रोडक्ट को शेयर करना है। तो यहाँ पे आप अपने ग्रुप वगैरह में शेयर कर सकती हैं या अपने डायरेक्ट कस्टमर को शेयर कर सकती हैं। तो ये प्रोडक्ट के फ़ोटो शेयर हो जाती हैं, दोबारा से जाएंगे 1501 में और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कॉपी हो जाता है, हम डिस्क्रिप्शन को भी शेयर कर सकती हैं। तो शेयर करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हमने शेयर कर दिया, अब आप देख सकते हैं प्रोडक्ट भी शेयर कर दिया, डिस्क्रिप्शन भी शेयर कर दिया। अब इस प्रोडक्ट की रेट कितनी दी हुई है, इसकी रेट 475 दी हुई है, हम इसकी रेट ज़्यादा यहाँ पे बता देती हैं, हम यहाँ पे 699 प्राइस लिख देती हैं। और अगर ये कस्टमर इस प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहता है तो ये से आप अपना एड्रेस ले सकती हैं। तो बात करके आप इनका एड्रेस ले लोगे तो अब ये कहेंगे कि ऑर्डर कर दो इनके लिए, तो आप इनका ऑर्डर कर सकते हो। और इनका देखो प्रोडक्ट कोड भी यहाँ पे दिया है, अगर आप कोड से सर्च करना चाहें भविष्य में तो इस कोड से भी सर्च कर सकती हैं। देखो इन प्रोडक्ट का कोड नीचे भी इमेज में दिया होता है, तो वहाँ से भी सर्च कर सकती हैं। COD, शिपिंग, रिफंड वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। तो मान के चलो ऑर्डर आता है तो ऑर्डर नाव पे आपको क्लिक करना है, ऑर्डर नाव पे क्लिक करने के बाद साइज आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक प्रोडक्ट पहले से ऐड है, मैं उसे डिलीट कर देता हूँ, और ये मैंने डिलीट कर दिया। अब आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का ये टोटल दिखने लगता है। तो ये डिटेल आपको दिख रही है बिल्कुल इजीली है। उसके बाद नेक्स्ट पे आप ओके करोगे, नेक्स्ट पे ओके करने के बाद एंटर कस्टमर प्राइस में आपको वो रेट लिख देनी है जो आप कस्टमर से चार्ज करना चाहती हैं। तो हमने कस्टमर को कितना रुपया बताया, 699, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कस्टमर से 699 रुपये लिए जाएं। यहाँ पे नीचे दिखा रहा है योर मार्जिन 295, मतलब अगर ये प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है, कस्टमर इस प्रोडक्ट को ले लेता है, तो 296 रुपये आपके बैंक अकाउंट में इनकी तरफ से भेज दिए जाएंगे। नेक्स्ट पे ओके करूँ और उसके बाद न्यू डिलीवरी एड्रेस, यहाँ पे कस्टमर का एड्रेस दे देना है और ये डिटेल सबमिट करने के बाद ऑर्डर लगा देना है। उसके बाद ये लोग डिलीवरी करा देंगे, और डिलीवरी कराने के बाद आपको यहाँ पे अपने ऑर्डर्स में, यहाँ अगर आप देखोगे योर ऑर्डर्स, तो यहाँ पे आपको ऑर्डर दिखने लगेंगे कि कितने ऑर्डर डिलीवर हो रहे हैं, कितने रिटर्न हो रहे हैं, कितने सक्सेसफुल डिलीवर हो रही हैं, कैंसिल कितने हो रही हैं, वो सारे। और जैसे ही डिलीवर होते जाएंगे तो आपकी माई अर्निंग या योर अर्निंग में पेमेंट दिखाने लगेगा। तो हर हफ्ते पेमेंट आता है, जैसा आप देख सकते हैं 17 जनवरी को मेरा पेमेंट आया था 7,724 रुपये, फिर 10 जनवरी को आया है 5,983 रुपये। तो ऐसे हर बार पेमेंट आता है, हर वीक में, एक महीने में 4 बार आता है।
तो आप देख सकते हैं 3 जनवरी को 4,922 आया। तो जितनी ज़्यादा यहाँ पे आप प्रोडक्ट इनके सेल करवाएंगे उतना ज़्यादा पैसा आपके बैंक अकाउंट में आएगा। तो ये कंप्लीट डिटेल थी शॉप 101 को यूज करने की। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए, आपकी जो क्वेरी हो वो कमेंट करके बताइए। वैसे मेरा एक और चैनल है रीसेलिंग से रिलेटेड जिसका नाम बी मेक रीसेलर है, आप उसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब में सर्च करिए बी मेक रीसेलर, वहाँ पे रीसेलिंग की डिटेल में आपको जानकारी मिल सकती है, तो आप सारी वीडियो वहाँ पर देख सकती हैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। बाकी की आप कमेंट करके बताइए, अगर आपने 101 यूज किया है तो आपने कितना पैसा कमाया है, क्या क्या चीज़ें आपको इसकी अच्छी लगती हैं, क्या क्या चीज़ें आपको बुरी लगती है वो भी बताइए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी इंफॉर्मेशन, अभी तो बहुत बिजनेस आइडिया आपको बताऊंगा, अभी ये ऑनलाइन बिजनेस की सीरीज चल रही है, ऑफलाइन बिजनेस आइडिया बताऊंगा आपको, बिजनेसमैन से जाके मिलाऊंगा, उनसे बात करवाऊंगा, उनके इंटरव्यू लूंगा, तो आपको अगले किस बिजनेस के बारे में जानकारी चाहिए जिससे मैं प्रैक्टिकल उन लोगों के पास जाऊं जो उस बिजनेस में ऑलरेडी हैं, उनसे जानकारी लें कि ये बिजनेस करना अच्छा है या बुरा है, इसमें क्या चीज़ें अच्छी हैं, कितनी कैपिटल लगती है, कैसे स्टार्ट किया जाता है, कहाँ से लाइसेंस मिलता है, उनका इंटरव्यू लेना स्टार्ट करूँ। तो आप लोग ज़रूर मेरे को कमेंट करके बताइए कि आपको अगली वीडियो किस बिजनेस आइडिया पर चाहिए और कहाँ किस टाइप का बिजनेस आप करना चाहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन दबा देना जिससे वो वीडियो आए तो आप उन्हें देख सकें। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।